पर है और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे जीजू। जीजू जी एक बच्चे के बाप बन गए आप। कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी जन्नत के शहर में यहाँ पर देखिए तीन तीन लड़कियाँ और तीनों मासिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, तीनों मासिया बन गई है। कितनी ज़्यादा खुशी है मासी बनने की तब। बहुत ज़्यादा। सच में है मासी को आँख मार रहा है। मासी को आँख मार रहा है। बहुत सारी जो मेरी बहन है वो मासी बन गई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं तो बनी गई हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा बधाई मैं अपनी तरफ से देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लाइफ ऑफ कुल्लू। सो आज हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश। खुश क्यों हूँ वो जया बताएगी। क्यों हूँ मैं खुश जया बता दे। खुश पता नहीं, बता दे। रात भर नहीं सोई यार। रात भर नहीं मैं सोई हूँ क्योंकि एक खुशखबरी मिली थी मुझे। और ये खुशखबरी ये है कि ज़्यादा तो क्या मतलब रुकना, तो मैं बता ही देती हूँ। और आज इतनी ज़्यादा खुशी है ना कि क्या बताऊँ। और मैं बता देती हूँ कि वो खुशखबरी क्या है। और हम दोनों ना मासी बन गई है। जया भी मासी बन गई है क्योंकि ये भी मेरी दीदी को दीदी बोलती है। तो जय भी मासी बन गई। और जो बहुत सारी जो मेरी बहन है वो मासी बन गई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं तो बनी गई हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा बधाई मैं अपनी तरफ से देती हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे क्योंकि मैं मासी पहली बार बनी ना रियल सिस्टर की। बाकी मासी तो बहुत बार बनी हुई है। और ना गाइस, रात को जीजू की कॉल आई थी। मैंने सोचा इतनी रात को जीजू की कॉल, फिर मुझे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि डेट भी आज की ही थी, 27 जुलाई को बोला था, तो वो 27 जुलाई को ही हुआ डिलीवरी। और उन्होंने कॉल की और तब से ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये लड़की ना मुझे बोल रही थी तू हल्ला मत डाल, हल्ला मत डाल, क्योंकि ये ना आप देख सकते तैयार हो गई है, ये जा रही है घूमने। चल जया। कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ लाहौल। लाहौल छतरू लाहौल लाहौल को जा रही है घूमने। पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, कितनी आगे तक जाएगी, 2 दिन के लिए जा रही है ये। तो ये लड़की ना मेरे को साथ लेके नहीं जा रही है। मैंने तो जाना था इसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा है। सो गाइस, मैंने भी अभी जाना है हॉस्पिटल। जीजू ने बोला आजा, और मैं कुल्लू में ही हूँ ना, तो पहले नहीं सोचा था जाने के बारे में। मैंने सोचा था मैंने घर जाना है, बट मम्मी ने बोला कि अगर वहाँ पर कोई नहीं है तो चले जा। तो मैं जाऊँगी अब हॉस्पिटल में। तो मैं अगर वहाँ पर वीडियो बना पाई ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सो गाइस, मैं ना आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और रात से ना ऐसी नींद ही नहीं आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ नींद मतलब मुझे आ जाए। होता है ना, एक खुशी के कारण मेरी नींद ही उड़ गई जब से कॉल की है ना जीजू ने, तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो मैं अभी जाऊँगी हॉस्पिटल। तो बाकी जया रानी भी चली जाएगी अब तो, सुबह सुबह 7 बज चुके हैं तो ये जाएगी। चल जया, बाय बाय बोल दे। बाय बाय बोल दे। ओए तू पनी अब कब मिलेगी? दो दिन बाद मिलेगी। बाय बाय बाय। चले गाइज, मैं भी हो जाती हूँ रेडी, आप सभी से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैं यहाँ पर हूँ लोअर ढाकुर में, और यहाँ से मैं मिठाई ले लेती हूँ। अंकल जी आधा किलो लड्डू देना। सो गाइज, अभी मैं हॉस्पिटल पहुँचने ही वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल रोड के साथ टच में ही है कुल्लू हॉस्पिटल। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू। तो जी चलते हैं अंदर अब। और ये रही हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ये वाली न्यू बिल्डिंग है, इसके पीछे पुरानी भी है। और जो ये साथ वाली बिल्डिंग है ये इससे भी ज़्यादा नई बिल्डिंग है। तो जी अब तो नई नई बिल्डिंग ये बन गई है कुल्लू हॉस्पिटल में। और यहाँ पर पूरा अराउंड सारा चारों तरफ। तो गाइज़ यहाँ देखिए, अभी मैं हूँ हॉस्पिटल में। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हॉस्पिटल है जो आपको दिख रहा है, बाकी आगे जैसे हमारा कॉलेज भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, और ये स्पेशली एम्बुलेंस रखी हुई है।
और अभी हम जहाँ पर है जिस फ्लोर में, तो ये रहा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ फ्लोर। और अभी हम यहाँ पर है और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे जीजू। जीजू जी एक एक बच्चे के बाप बन गए आप। कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी खुशी हो रही है तब? मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज तो ऐसी खुश, ऐसी खुश की पूछो मत। आप भी ऐसी खुश हैं सच में। तो गाइस जब मैं यहाँ पर सुबह सुबह पहुँची थी ना, तो उस टाइम जहाँ पर मेरी दी थी, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना अलाउ नहीं था। तो मुझे वहाँ पर वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और भी थे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी मैं अगर वीडियो बना पाऊँ तो मैं आपको पक्का दिखाऊँगी कि अंदर क्या क्या है। बाकी आपको दिखाऊँगी, मैं बच्चे से भी मिलाऊँगी और दी से भी मिलाऊँगी। सो गाइज अभी हम चलेंगे लिफ्ट में, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा लिफ्ट में जाने का, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी लिफ्ट में नहीं गई हूँ। तो आज ये मेरा पहली बार होगा जब मैं लिफ्ट में जाऊँगी। इसके अंदर बनेगी वीडियो। पहली बार जा रही हूँ मैं लिफ्ट में। चल रहे क्या मैं? चल रहे है? मेरे को तो लग ही रहा है पहुँच गए। सो गाइज अभी मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ, आप देख सकते हैं रूम के बाहर। तो सुबह हमें 12 बजे दूसरे रूम में शिफ्ट किया था, पहले जो रूम था वो और था। अभी हम दूसरे रूम में आ गए हैं और यहाँ पर मेरी दी और बच्चा है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा हवा खाने आ गए बाहर, क्योंकि अंदर ना रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस कारण से यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी यहाँ देखिए आप मिलिए मेरी दी से, ये है यहाँ पर मेरी दी और यहाँ पर बच्चा, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। और यहाँ पर देखिए क्यूट सा बेबी, यहाँ देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देखिए गाइज आंखें खोलो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो लड़का है ना, ये सो सो के भी नींद पूरी नींद की हो रही है, और ये गया अपने बापू पे। इन पे गया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सोते हैं और इनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा सोती है। यार देखो इतना क्यूट है ना ये, इतना क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये। यार देखो आंखें भी नहीं खुल रही है। खोलो 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 खोलो, बड़ी भारी नींद। उठ जा रे मनवा रे। गर्मी लगी इसको बहुत ज़्यादा। हम इसको बाहर घुमाने के लिए लाया। हे मासी को आँख मार रहा है, मासी को आँख मार रहा है। मुँह पता ही नहीं कि से बिन मार के हीरो बड़े माँ। सो गाइज अभी मैं हॉस्पिटल कैंटीन में आई हूँ खाना खाने, तो मैं अकेले आई हूँ, बाकी दीदी और जीजू ऊपर ही है। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सा खाना बना है यहाँ पर कैंटीन में। और यहाँ देखिए ऐसी है इस तरह से कैंटीन पूरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सो गाइज अभी हम रात को यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा बैठने के लिए, और यहाँ पर देखिए रात का व्यू हॉस्पिटल का, बिल्कुल शांति छाई हुई है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं हम, टाइम दिखाओ, थोड़ी देर के लिए आए बस, बाद में हमने अंदर ही जाना है, दिखाओ टाइम। यहाँ देखिए गाइस इतनी रात को हम बाहर निकले हुए हैं, 12:02 हो चुके हैं और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इसी व्यू का हम मजा ले रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस मिलते हैं आप सभी से अब सुबह जाकर के, तो सो गाइस कल हमें छुट्टी हो जाएगी। पिछले कल रात को आए थे लगभग, कितने बजे आए थे आप? हम आए थे कल लगभग दिन के 3 बजे पहुँचे थे हम यहाँ पे। दिन के 3? रात के 3 बोलो। दिन के 3 बजे पहुँचे थे हम यहाँ पे। अच्छा जी, तो आज हमने यहाँ पर पूरा दिन बिताया 27 जुलाई
एंड अभी हो गई है 28 जुलाई, देन एक दिन हो गया है, नहीं अभी तक नहीं हुआ, अभी तक कितने बजे हुआ था, 12:30 बजे ना, 12:27 पे तो अभी एक दिन होने वाला मतलब, तो कल हमें छुट्टी हो जाएगी, कल क्या आज ही मतलब सुबह जब होगी तो। हाँ ऐसे तो बोला है डॉक्टर ने कि आज हो जाएगी छुट्टी, अब बाकी हो जाएगी सुबह जाए, जब सुबह होगी तभी पता चलेगा क्या होगा, होगी या नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी, तो हमें लगता कि होगी तो वैसे 10% चांस है कि शायद ना भी हो। मैं तो घर चली जाऊंगी सुबह। हाँ आप तो चले जाओगे। हाँ क्योंकि मैं कंगती नहीं आ सकती ना, कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती थी, और मुझे हॉस्पिटल आने की लगी थी, बट मैंने सोचा मैं नहीं आ पाऊँगी शायद, बट मुझे घर में बोला गया कि तू जा, तब मैं आ गई, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए, और यहाँ आकर के मैंने देख लिया क्या क्या सिस्टम है, बच्चे संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। सो गाइज, हम ना थोड़ा सा बैठने के लिए आए थे हम यहाँ पर, अभी हम चल पड़ेंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो अभी तो 12:15 ही हुए लगभग, हम उस टाइम कितने बजे थे, 7 हुए थे 12:07, तो हम थोड़े ही टाइम बैठे, अभी हम चल पड़ेंगे क्योंकि ऊपर से बारिश भी आ रही है, और हमने ऐसे भी जाने का प्लान बना लिया था। इंद्रदेव बरस रहा है जी, चलिए। सो गाइज, यहाँ देखिए ये है डिस्चार्ज स्लिप, अभी हम चल पड़ेंगे और यहाँ पर हॉस्पिटल को करते हैं बाय बाय, और अभी मैं इस बच्चे से भी पता नहीं कब मिलूंगी। रोने लगा लास्ट में, ये सिर्फ मेरी गोदी में बैठ रहा है, चुप, पूछो जीजू से चाहे, है ना। मेरे से प्यार हो गया इसको। सो गाइज, अभी हमें मिल गई है छुट्टी, तो अभी 1:30 बज चुके हैं और आज है 28 जुलाई, तो अब हम जाएंगे घर को। बाकी आज मुझे पता चल गया कि एक माँ बनना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, एक माँ को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि। सो गाइज, अभी मैं पहुँच गई हूँ घर में, आप पीछे देख सकते हैं मैं घर में आ गई हूँ, और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा मस्त है ना, मैं आपको दिखाऊँगी व्यू, चलो दिखाते हैं आपको व्यू ज़रा पहले। और गाइज, यहाँ देखिए बादल कितने प्यारे से छा गए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं जन्नत पे आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा अमेजिंग व्यू ना, अपने आँखों के सामने देखना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ देखिए गाइज, वाओ। गाइस यहाँ देखिए छेलू भी यहाँ पर आ गया है, इसको क्यों लाए लेंटर पे। ये तृप्ता देवी, तृप्ता तू भी मासी बन गई है, कितनी खुशी है तेरे को, इधर देखिए। शर्मा रही है ये तो, बहुत ज़्यादा शर्मीली लड़की है ये, हेलो। सो गाइस जन्नत के शहर में यहाँ पर देखिए तीन लड़कियाँ और तीनों मासियाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, तीनों मासियाँ बन गई है। कितनी ज़्यादा खुशी है मासी बनने की, तब बहुत ज़्यादा, सच में। तेरे को पूछूंगी मैं, अनामिका कितनी है, बहुत ज़्यादा, सीमा से भी बहुत ज़्यादा। और तृप्ता को इसके बाद शब्द नहीं है कहने के लिए बेचारी के पास। तीन मासी। सो गाइज, यहाँ देखिए तीन मासियाँ, और ना एक सुनो, ये मारा मेला कब है, 18 अगस्त को, मैं सोचा 17 को है, तो 18 अगस्त को हमारा मेला है, बट दुख की बात ये है कि उस दिन मेरे पेपर है, हमारा ना मतलब पूरे साल में एक ही मेला होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, बट मैं उस मेले में नहीं शामिल होंगी, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है। इस बार ये लड़की नाटी भी कर रही है, ये और ये चीचा देवी। इसको हम चीचा बोलते हैं, नाम सुन लो इसका आज सभी। प्यारे नहीं मेरे को उतने लगते हैं ये, बट ये वाली लड़की जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है ऐसी गाय से, छेलू से, ये और एक मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है, और ये गाय की ना सब कुछ दूध दाद निकालती है यही लड़की, मेरी मम्मी बीमार होती है ना तब करके यही लड़की सारा काम संभालती है, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन इंसान है, और ये थोड़ी काम करने में तेज़ है, बट ये ना बहुत ज़्यादा गालियाँ देती रहती है बीच बीच में। बोलती है कि मैंने नहीं करना, मतलब चिढ़ती है ये, बाकी काम तो कर लेती है ये भी, और यहाँ देखिए ऐसे धुआं धुआं धुआं।
सो गाइस, घर में मैं जब भी आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू देखने को मिल जाता है और मेरा दिल हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बाकी गाइस, चलिए ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अब तो आज के बाद मुझे छुट्टियाँ है, पेपर तक, पेपर शायद 16 तारीख के बाद से है अभी अगस्त में, तो तब तक छुट्टियाँ है, तो मैं घर में बैठ करके ब्लॉग बनाया करूँगी आप सभी के लिए। आप सभी देख लीजिएगा ब्लॉग मेरे, रोज़ रोज़ ही डालूँगी मैं अब घर में जब हूँगी ना। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड बाय बाय।